स्टडी विद सुधीर में आपका स्वागत है। वी आर ऑन द महाराष्ट्र क्लास 12 इंग्लिश कोर्स। टुडे इन दिस वीडियो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ये पर्टिकुलर कविता, दिस पोएम विच इज कॉल्ड हैव यू अर्नड योर टुमारो एंड इट इज रिटन बाय एडगर गेस्ट। ओके, काफी अनोखा नाम है। ओके, नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट हिम, मुझे ये कविता काफी अच्छी लगी। ये कविता और एक फादर रिटर्निंग होम, ये दो कविताएं आई थिंक पोएम्स आर वेरी वेरी टचिंग। एंड दिस वन ये काफी इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दिस इज प्रिसाइसली माई फिलोसफी ऑफ लाइफ ऑल्सो। सो इसके बारे में बात करेंगे। सो ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, लेकिन इनको अमेरिका लाया गया जब वे काफी छोटे थे, जब वे 10 साल के थे, और वहां पर उन्होंने अपना लिखने का करियर शुरू किया। दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम, इस बात को ध्यान रखिएगा और इसका इस्तेमाल भी कीजिएगा अपने आंसर्स में। ओके, द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स, ये एक तरह से काफी सारे प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, मुझसे, सभी लोगों से जो कि इस कविता को पढ़ रहे हैं, और उनसे एक तरह का जीवन का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, कि क्या तुम्हारी वजह से किसी और व्यक्ति का जीवन आज की तारीख में बेहतर हुआ या नहीं। कितनी अच्छी सोच है कि यू नो, इफ योर लाइफ इज ओनली फॉर योर सेल्फ एंड नॉट फॉर समबडी एल्स, अगर तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी को खुश करने के लिए या किसी का जीवन बेहतर करने के लिए नहीं है, तो एक तरह से ये जीवन, ये जिंदगी एक तरह से बेकार है, यू नो, यूजलेस है। तो हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि चाहे वो एक छोटा काम हो, लेकिन दिन में एटलीस्ट एक छोटा काम जरूर कीजिए जिससे कि दूसरे बंदे को मदद मिले। सही बात। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है, कतई ये नहीं है कि एग्जाम में आप दूसरे बंदे की हेल्प करो। ओके, अब ये मत बोलना सर आपने कहा था कि दिन में एक बार ही तो हेल्प करना, तो मैंने उसको एक क्वेश्चन बताया। नो, फिर तुम भी पकड़े जाओगे और वो भी पकड़ा जाएगा, दोनों को मुसीबत आएगी। सो इट डज नॉट मीन इंक्लूड डूइंग अनएथिकल और अनलॉफुल थिंग्स। ओके, तो ये तो हुआ एज फार एज, ये पैराग्राफ आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से इंस्पिरेशनल पोएम वर्ड्स को तो जरूर यूज कीजिएगा। और ये बेसिकली इस पोएम का बेसिक समरी है दैट इट इज अप टू यू वेदर यू हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट, देयरफॉर वन शुड कंसिडर वन्स एक्शन एंड डीड्स केयरफुली। डीड्स मतलब जो हम काम करते हैं, एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर, क्योंकि अगर आप दूसरे बंदे की मदद करेंगे तो आपका खुद का जीवन भी उससे बेहतर होगा, क्योंकि आपको मन ही मन में काफी खुशी होगी कि मेरी वजह से उसको हेल्प मिली। ओके, और उसने कुछ अच्छा किया, तो एक अंदर से एक खुशी मिलती है जिसका कि यू नो यू कैन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, यू नो सिर्फ वर्ड्स में ये बताना जरूरी नहीं है, वो एक्सपीरियंस करना काफी जरूरी है। जब आप में से कई बच्चों के मैसेजेस आते हैं या आपके पेरेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि आपके नोट्स पढ़े, आपके वीडियोस देखे, आपके क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, और जब मैंने उसको लिखा मेरी तारीफ हुई क्लास में कि क्लास टीचर ने कहा कि कितना बढ़िया आंसर लिखे हैं, या मेरे मार्क्स पिछले एग्जाम में सिर्फ 60 आउट ऑफ 80 आए थे, इस बारी 77 आउट ऑफ 80 आए हैं, यानी कि 17 मार्क्स का डिफरेंस हुआ है, मेरे को इस तरह से काफी मैसेजेस आते हैं। नाउ इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, यू नो मैं कभी भी उस विद्यार्थी से आमने सामने नहीं मिला हूंगा, लेकिन शायद बात भी नहीं की होगी, लेकिन अगर आपके मटेरियल से किसी और को मदद मिली है और उसका भला हुआ है, सो जो खुशी उसमें मिलती है दैट इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, उसका वर्ड्स में एक तरह से वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। हैव यू अर्नड योर टुमारो, नाउ अर्न द मोमेंट अर्न, जब इस शब्द को सुनते हैं तो हमें लगता है कि हम सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, किसी सैलरी की बात कर रहे हैं कि हमने कुछ कमाया, लेकिन ये जो कमाई की बात हो रही है इस पर्टिकुलर कविता में, ये सिर्फ पैसे वाली कमाई की बात नहीं हो रही है, ये कमाई हो रही है कल के बारे में कि क्या आपने अपना कल टुमारो कमाया है। और पोएट का मतलब ये है कि आप अपने कल को तभी कमा सकते हैं जब आपने कुछ अच्छा आज किया है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए डे टू डे एग्जिस्टेंस, अगर आप आज अच्छा करेंगे इसका मतलब है कि आपने कल को कमाया है। हाँ, आप जीवित रहेंगे। ओके, मैं ये नहीं कर रहा कि आज कुछ नहीं किया तो आप लुढ़क जाएंगे, नो, लेकिन इन ए वेरी इमोशनल एंड ए मेटाफोरिकल सेंस कि अगर आप आज कुछ करेंगे इसका मतलब है कि यू नो यू हैव अर्न द राइट टू लिव ऑन दिस प्लैनेट टुमारो, एक तरह से पूरा आपका अधिकार है कि आप इस प्लैनेट पर
भूमि पर कल भी रह सकते हैं, कल भी और लोगों का भला कर सकते हैं। सो टाइटल का मतलब यह है कि हैव यू अर्नड योर टुमारो। ओके, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। ओके, नाउ दूसरे एक बात बिफोर आई स्टार्ट विद द पोएम, पोएट के बारे में एडगर गेस्ट के बारे में उनको कहा जाता था कि वो एक पीपल्स पोएट है, यानी कि लोगों के कवि हैं। और ये इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका जो लिखने की जो शैली थी वो काफी सिंपल थी, काफी एंगेजिंग थी और काफी ऑप्टिमिस्टिक थी, इंस्पिरेशनल थी, यानी कि लोगों को एक तरह से काफी यू नो इट वुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ होप टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो उसके वजह से उनको लोगों का कवि, पीपल्स पोएट कहा जाता था। ये भी आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने तकरीबन 11,000 कविताएं लिखी हैं, 11,000। सो यू कैन इमेजिन कितने प्रोलिफिक पोएट थे। ओके, तो मैंने नोट्स में अबाउट द पोएम के बारे में एक पैराग्राफ लिख दिया है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समरी ऑफ द पोएम भी दिया है, लेकिन मैं समझाऊंगा, मुझे वो ज्यादा मजा आता है। मेरे को ये कुंजी वाला अप्रोच, एक समरी वाला अप्रोच इतना पसंद नहीं है, लेकिन जिन लोगों को चाहिए उनके लिए एक समरी लिख दी है ताकि वो पढ़ने के बाद आप वीडियो सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो सुने तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे को साथ साथ समझाना ज्यादा अच्छा लगता है। ओके, स्टाइल ऑफ द पोएम, इट्स अ 16 लाइन पोएम, हर स्टैंजा में चार चार लाइनें हैं, हर में प्रश्न है। ओके, एंड दैट इज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस लाइन। इनफैक्ट 16 में से 11 लाइनों में एक प्रश्न पूछा गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे, इसका मतलब क्या है कि सीधा मतलब बोले तो आप गुजरे किसी के रास्ते से, आपके गुजरने से क्या वो खुश हुआ, ये तो हो गया सीधा मतलब। लेकिन पास्ट हिज वे जो यहां पर लिखा है, पास्ट हिज वे, ओके एक मिनट मैं इसको एनोटेट कर देता हूं। पास्ट हिज वे, पास्ट हिज वे का मतलब सिर्फ गुजरने वाली बात नहीं हो रही है, सनी डियोल की तरह चलने की बात नहीं हो रही है। क्या आपके रहने से और आपके किसी के जीवन में आने से क्या उसको खुशी ज्यादा मिली, क्या वो ज्यादा खुश हुआ। सो इट डज नॉट ओनली मीन क्रॉसिंग द पाथ और वॉकिंग बाय, इट ऑल्सो इज द पोएट इज आस्किंग वेदर द लिसनर डिड एनीथिंग टूडे बिकॉज ऑफ विच द अदर पर्सन फेल्ट हैप्पी। पास बाय हिज वे मीन्स आप किसी के जीवन में आए, यू नो मेरी किसी से मुलाकात हुई, मैंने उसके लिए कुछ ऐसा काम किया या मैंने उसको ऐसा कुछ मशवरा दिया या कोई ऐसा एडवाइस दिया जिसके जिससे कि उसको खुशी मिली, उसका जीवन बदल गया, उससे कुछ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिला, कुछ उसका काम जल्दी से हो गया, वो खुश हुआ, ऐसा कुछ हुआ है नहीं। सो इज आस्किंग यू, कुछ हुआ है, आप अपनी डायरी में ये सब बातें लिख सकते हैं। डस एनी वन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टूडे, क्या किसी को याद है कि आज तुमने किसी से बात की थी। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर, ये दिन खत्म होने वाला है, शाम हो गई है, एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। टॉयलिंग टाइम का मतलब टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क, दिन के टाइम पे आप काम करते हैं, शाम को आके घर पे बैठ के रात को आराम करते हैं ना। सो दिन पूरी तरह से खत्म होने को है, राइट। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ ए काइंडली वर्ड ऑफ यू, क्या कोई इस दुनिया में है जिसको ऐसा लगता है कि तुमने उसका भला किया है और तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बोलेगा। तो दिन खत्म हो गया है तो आज का दिन का रिपोर्ट कार्ड, आज का दिन का रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है आपसे कवि कि क्या ऐसा कुछ ये जो तीन लाइनों में हुआ है, पहला लाइन का क्वेश्चन, दूसरे लाइन का क्वेश्चन और चौथे लाइन का क्वेश्चन, ये तीन प्रश्नों में से आप किसको टिक मार्क करेंगे, यस नो किसको करेंगे। ओके, सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे लाइन में जो है, डस एनीबडी रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टूडे, यू नो इट इज टॉकिंग अबाउट अनप्रॉम्प्टेड काइंडनेस, कि कोई किसी से ऐसी मुलाकात हुई और जो उसको याद रह गया कि हाँ फला आदमी ने मुझसे आज बात की थी और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई उससे मिलके, उससे बात करके, उसकी बातों को सुन के, राइट। सो बात यहां पे हो रही है पॉजिटिव इंपैक्ट करने की, है ना, कि आपने किसी की जिंदगी में किसी तरह का पॉजिटिव इंपैक्ट किया नहीं। मैं बात कर रहा हूं, मेरे को गूज पिंपल्स आ रहे हैं, मेरे को इस तरह की बातें काफी इंपॉर्टेंट लगती है, द पॉजिटिविटी, बिकॉज इतना ज्यादा नेगेटिविटी है। आप सोशल मीडिया में किसी जगह लोग किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, अरे वो मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, यू नो ऑल द टाइम वी कीप क्रिटिसाइजिंग पीपल। ऑन द कॉन्ट्ररी आप सोचो, अगर आप किसी की तारीफ करेंगे उसमें
निन्यानवे बुराई होंगी लेकिन एक अच्छाई होगी। अगर आप उस एक अच्छाई पे फोकस करके उसकी तारीफ करेंगे, उसको लगेगा देखो मेरी इतनी बुराइयां थी, उसने उस पर फोकस नहीं किया, मेरी अच्छाई पे फोकस किया, इसका मतलब अच्छाई से ही मैं एक्चुअली ज्यादा खिल सकता हूं, मैं शाइन ज्यादा कर सकता हूं। तो वो भी अपनी अच्छाइयों को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। आई ऑलवेज बिलीव दैट यू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स इन लाइफ, इट विल ऑलवेज हेल्प योरसेल्फ, इट विल हेल्प द अदर पर्सन, and it will make the world a better place to live in. Okay, so kind word of you. Okay, so इस stanza में देखा जाए तो पूरी तरह से एक interrogation का माहौल है। चार में से तीन लाइनों में तो आपसे प्रश्न पूछा है ना, so एक interrogation का attitude है, एक interrogation का टोन है। ओके, सो ही इज आस्किंग यू रेटोरिकल क्वेश्चंस। हाँ, जवाब दे तो ठीक है, लेकिन जवाब भी नहीं दे तो वो चल रहा है, वो अपने क्वेश्चन पूछे जा रहा है, राइट? So, and also these are not specific to a question. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीडर से पूछ रहा है, जनरल में किसी से भी, आपको भी ये प्रश्न ठीक लगेंगे, आपकी मम्मी को भी ये प्रश्न ठीक लगेंगे, आपके क्लासमेट को भी ये प्रश्न ठीक लगेंगे, तो किसी के लिए भी ये प्रश्न हो सकता है, इट इज नॉट टू अ स्पेसिफिक पर्सन। ओके, सो जो सेकेंड लाइन से ये पता चलता है कि डस एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे, इसका अर्थ क्या है कि आप जब किसी से बात करें तो ऐसी बात करें जिससे कि किसी तरह का एक इम्पैक्ट हो, यानी कि ऐसी बात करें जिससे उसका फायदा भी हो, उसके मन पर किसी तरह का प्रभाव करें, राइट? इट शुड मेक एन इम्पैक्ट ऑन हिज वे ऑफ थिंकिंग, कि वो उस अपनी जीवन शैली में उसका इस्तेमाल कर सके, राइट? सो ऑल दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू स्पीक, नॉनसेंस बात करने का नहीं, ओके? नॉनसेंस बात करने का नहीं कि द अदर पर्सन से आता मचा सटकली, राइट? सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी एबल टू मेक ए पॉजिटिव डिफरेंस इन द अदर पर्सन्स लाइफ, ओके? नाउ ऑल्सो इट फोकस ऑन रिलेशनशिप्स, इज देयर एनीवन नाउ टू अटर काइंडली वर्ड ऑफ यू, दैट इज आप में और उस बंदे में किसी तरह का बॉन्ड होता है या नहीं। अब इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है, एक तो ये है ट ट, ये क्या बोलते हैं इसको, एलिट्रेशन, यानी कि जब सेम कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल होता है तो इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। और दूसरा ऑफ कोर्स जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया, इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, ओके? ये पोएटिक डिवाइस तो पूरे कविता में हर स्टैंजा में इसका इस्तेमाल किया गया है। सो यहां तक का आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे चलो, डिड यू गिव ए चीयरफुल ग्रीटिंग। अब अगले स्टैंजा में भी प्रश्न पूछता है कि डिड यू गिव ए चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग, और ए चर्लिश साउट ऑफ हाउडी हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब है क्राउड, भीड़। चर्लिश का मतलब थोड़ा रूडली बात करना, ओके? दूसरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था वो ऑन सेइंग प्लीज में बूरिश वो एक वर्ड था, चर्लिश का मतलब भी रूड है। Howdy is an informal, friendly greeting, generally USA वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। How are you के बजाय howdy करके बोलते हैं, okay? So that is the way. Now from strangers, यहाँ पर तो हमने किसी ऐसे व्यक्ति की बात की जिसको कि आप ठीक से नहीं जानते हैं। यहाँ पर, okay? यहाँ पर he is now talking about people, okay? People you know. So एक मिनट, नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट पीपल जिनसे, जिनको कि आप जानते हैं। डिड यू गिव ए चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग, कि एक दोस्त से आप मिले, आपने उसको ठीक से हाय बोला, गुड मॉर्निंग बोला, विद अ लॉट ऑफ वार्म्थ, खुशी के साथ बोला, या आए, ऐसे बोला, हे हाउ आर यू करके बोला, कैसे बोला, ओके? क्या आपने थोड़े रूड ढंग से ए हाउडी kind of thing बोला, या आपके बर्ताव में एक तरह की मिठास थी, एक तरह का warmth था, okay? And then vanished in the throng, और फिर आप भीड़ में खो गए, आपने उसकी परवाह नहीं की, उसने उसका क्या जवाब दिया, क्या बोला, आपने कुछ परवाह नहीं की। तो poet आपसे ये जानना चाहता है, were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, कि क्या आप अपने बारे में ही सोच रहे थे, you know, और उस दोस्त के बारे में नहीं सोच रहे थे, or is someone mighty grateful for a deed you did today? या इन सब चीजों के अलावा ऐसा है कि कोई, जिस तरह से आपने उसके लिए कुछ काम किया, कोई डीड किया, उसके लिए वे काफी कृतज्ञ है, कृतज्ञ यानी कि ग्रेटफुल है, यानी कि
थैंकफुल है कि आपने किया, तो उसके मन में विटामिन जी है। विटामिन जी किसको बोलते हैं? विटामिन ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कि उसने मेरी मदद की। जिंदगी भर याद रखना, जब मेरे को मुश्किल आ रही थी, जब मेरे को किसी काम की जरूरत थी, उसने मेरी मदद की। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए या एयरपोर्ट पहुंचने के लिए काफी लेट हो रहा था, और तब मेरे को एक बंदा मिला जिसको कि मैं जानता था, दोस्त था, दोस्त नहीं था, जो भी हो, उसने मुझे एयरपोर्ट तक या उसने मुझे रेलवे स्टेशन तक, उसने मुझे बस स्टैंड तक पहुंचाया ताकि मैं ट्रेन को पकड़ सकूं और मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच सकूं। तो आपके मन में क्या होगा? ग्रैटिट्यूड। यू विल बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन फॉर उसने जो काम किया, डीड दिया। ओके, सो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इसमें जो दो वर्ड्स का यूज किया गया है, एक तो ये चर्लिश, दूसरा सेल्फिश। ओके, ये है रूड। सेल्फिश तो मालूम है आपको कि अपने अपने काम से मतलब रखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो जाए चलता है, वो भाड़ में जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, उस तरह का जो एटीट्यूड होता है उसको बोलते हैं सेल्फिश, यानी कि सेल्फ के बारे में ही सोचना। ओके, सो उसमें दे कन्वे, इन दोनों वर्ड से क्या पता चलता है, इस बात को एक तरह से एम्फसाइज किया गया है कि आपको दूसरे के लिए थोड़ा समय और थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा कि आप दूसरे की मदद करें। ओके, सो द पॉइंट बीइंग एम्फसाइज्ड इज दैट अगर आप लोगों को ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, हेलो काइंड ऑफ अ थिंग करके जाएंगे, तो उसको भी लगेगा अरे तेरे हेलो के लिए मैं क्यों वेट कर रहा हूं, भाड़ में जा, मैं हेलो नहीं बोलता। तो आपके बीच में दूरी बढ़ जाएगी, हालांकि वो आपका दोस्त होगा लेकिन दूरी बढ़ जाएगी, बिकॉज उसको याद रहेगा कि उस दिन सुबह वो इतना बिजी एड कर रहा था, उसने मुझे, होता है ना कई बार, अरे वो कुछ ज्यादा स्टाइल मारता है आजकल, यू नो, ठीक से हेलो भी नहीं बोलता है, बोलते हैं नहीं, राइट? तो अगर आप बोलते हैं तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे, तो अगली बार ही आप किसी दोस्त से मिले, सो एंश्योर दैट यू गो एंड से हेलो प्रॉपरली, ताकि एक तरह के आपका जो बॉन्डिंग है वो और भी मजबूत हो जाए। ओके, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारी और आपकी जिंदगी से वास्ता रखती हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टैंजा इज दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश, वी शुड नॉट बी चर्लिश, वी शुड नॉट बी रूड। ओके, सो हो सकता है, यू नो, मैं हेलो बोल के निकल जाऊं बिकॉज मेरे को काम है, मेरा काम ठीक से हो जाएगा, लेकिन वो दोस्त के मन में आपके लिए कोई ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगा और आपके लिए कोई रेस्पेक्ट भी नहीं रहेगी। आप क्या सोचते हैं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, रिलेशनशिप्स या ये एक छोटा सा काम? हो सकता है आपको कल किसी काम के लिए सेम दोस्त की मदद पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए, तब आप क्या कीजिएगा? ओके, तब उसको बोले अरे हेलो हेलो, उस दिन मैं बहुत बिजी था इसलिए मैंने ठीक से हेलो नहीं किया। ओके, वो बोलेगा हाँ हाँ मैं सब जानता हूं, अभी काम है इसलिए आया है यहां पर, भाड़ में जा। ओके, सो दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं? एक तो है इमेजरी, वैनिश इन द एयर, इन द थ्रॉन्ग, दिस इज लाइक यू नो वैनिशिंग काइंड ऑफ एन इमेजरी, विजुअल इमेजरी इज बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ हियर। ओके, दूसरा है ऑनोमेटोपिया, विच इज वर्ड्स कंटेनिंग सिमिलर टू द नॉइसेस, जैसे होता है ना ही फेल विद अ धड धड। ओके, यानी कि ये धड, ये एक वर्ड ठीक से नहीं है, लेकिन जिस तरह की आवाज आती है जब कोई गिर जाए तब क्या आवाज आती है, धड से गिर गया काइंड ऑफ थिंग ना, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑनोमेटोपिया, जबकि जिस तरह की आवाज आती है उसी स्पेलिंग में आप कोई वर्ड को लिखें। यहां पर जो हाउडी है, हाउडी करके बोलते हैं ना, तो उसी ने उसी इसमें उसको स्पेलिंग की तरह यूज किया गया है, सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनोमेटोपिया। आपके जो पहले पेज पे आपका लिखा होगा कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आपको याद रखने की जरूरत है, इसलिए मैं ये मेंशन कर रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा भी मेंशन कर रहा हूँ, बट ये वाले तो इंपॉर्टेंट है जो भी आपके सिलेबस में है। ओके, अब लेट्स गो टू द थर्ड एंड द फोर्थ स्टैंजा। कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग, ये दो तो समझ में आ गए ना, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट इज स्लिपिंग फास्ट, That you helped a single brother of the many that you passed. Now, और प्रश्न पूछ रहा है कभी, तो वो कहता है कि क्या पोएट ने एक सिंगल एक भी भाई की हेल्प की या नहीं? Okay, he asked whether you did something to provide courage to another person and make them more hopeful, right? कि किसी को साहस दिया, किसी को दिलासा दिया, जिससे कि उसको ज्यादा उम्मीद मिली, right? So डेज दैट इज स्लिपिंग पास, वही फिर से वही रीइटरेट कर रहा है कि शाम हो गई है, रात होने का समय हो गया है। तो पहले इसमें स्ट्रेंजर्स थे, दूसरे इसमें दोस्त थे, राइट? और इसमें
इट इज कमिंग टू ब्रदरहुड. ब्रदर का मतलब सीधा भाई की बात नहीं हो रही है, बट एक वेरी वेरी क्लोज रिलेशनशिप, एक ब्रदरहुड, भाईचारे की बात हो रही है. ओके, सो इट शोज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पीपल. So the point that is being talked about here is that it is better to help one person than not to help anyone at all. That you helped a single brother of the many that you passed. हो सकता है तुम कई लोगों से मिले हो, लेकिन उसमें से अगर एक भी भाई की मदद की हो तो अच्छा है, right? Is a single heart rejoicing over what you did or said? कि क्या एक भी इकलौता कोई दिल है या मन है जो कि इस बात से खुश है जो आपने काम किया, उस बात से काफी खुश है. Does a man whose hopes are fading now, कि ऐसा था जिसके कि मैं पूरी तरह से, मैं ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं तो पूरी तरह से नाकाम हो गया, और आपने कहा हो नहीं हो सकता है, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, और उसने कहा हो अरे वाह ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं अभी करता हूं और उसका काम हो गया. ओके, सो डज अ मैन हुज होप्स आर फेडिंग कंप्लीटली, उसके होप्स नीचे चले गए हो, अब वो साहस के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ काम किया है नहीं. तो पहले में लोग थे, दूसरे में दोस्तों की बात हो रही थी, यहां पर भाईचारे की बात हो रही है, और भी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स की बात हो रही है. तो यहां पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है? पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहां पर सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग, यू नो, दिल के खुश होने की बात हो रही है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक पर्सोनिफाइंग दी हार्ट. और ऑल्सो दूसरा एक और है सिनेक डॉच, विच इज वेयर a word refers to a part which is being substituted. Okay, so heart is, I mean, heart khush hone ka, dil khush hone ka kya matlab hai? Tum khush ho rahe ho, hai na? Agar mera dil khush ho gaya, mera dil bilkul khush ho gaya, iska matlab kya? Sirf dil to khush, aisa to nahi hai na ki sirf dil khush ho raha hai aur liver aur kidney khush nahi ho rahe, aisa to nahi hai. It means I am feeling happy. So this is also a poetic device that has been used in stanza 3. Did you waste the day or lose it, or was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? Now, इसमें क्या कहा गया है? Speaker says कि क्या तुमने ऐसा काम किया जिससे दूसरे की जिंदगी बेहतर हुई? Okay, so the day not spent improving the lives of others is wasted. Did you waste the day? क्या तुमने अपना दिन बर्बाद किया? किसी की मदद नहीं की क्या? तो तुमने सिर्फ अपना दिन बर्बाद किया. और lose it, you know, कि बिल्कुल एक तरह से खो दिया. और वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, या उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से किया या बिल्कुल बेकार किया. सो ही इज आस्किंग, तो यहां पे तीन नेगेटिव्स का इस्तेमाल किया गया है. वेस्ट मतलब कि वेस्ट करना, नेगेटिव वर्ड है. लूज मतलब खो देना. सोरली स्पेंट मतलब कि बेकार के कामों में आप पूरा दिन बैठ के अपना पबजी खेल रहे हैं, पबजी तो आजकल बैंड है, बट कोई भी वीडियो गेम खेल के अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो. ओके, या कुछ किसी की मदद की, घर में किसी की मदद की, बाहर किसी की मदद की, या कुछ फ्रूटफुल काम किया जिससे कि आपको ज्यादा ज्ञान मिले, राइट? या किसी और के सिलेबस को खत्म करने में मदद की, ऐसा कुछ किया हो तो देन इट विल बी कॉल्ड एज वेल स्पेंट. ओके, डिड यू लीव ए ट्रेल ऑफ काइंडनेस? सोरली मीन्स विद द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. सोरली स्पेंट, पॉइंट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट वी शुड नॉट स्पेंड एनी डे विदाउट डूइंग एनीथिंग गुड टू others. Okay, if it is well spent, अगर आपने अपना टाइम को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, ठीक से इस्तेमाल किया है, तो it would leave a trail of kindness. Trail का मतलब ये है line में, जैसे चींटियां होती है ना, line में जाती हैं, they leave a trail. Trail का मतलब आप कुछ काम करते हैं और पीछे, जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, पहले जैसे स्टीम इंजन होती थी ट्रेन की, ओके, वो धुआं ऐसे जाता रहता, सो इट वुड लीव ए ट्रेल ऑफ स्मोक, यानी कि जो धुआं है उसका एक ट्रेल छोड़ देते हैं एक लाइन में, काइंड ऑफ थिंग. सो इट वुड लीव, अपना सबूत छोड़ देंगे कि ट्रेन यहां से गुजरा था, बिकॉज हमको ट्रेन का धुआं अभी भी हवा में नजर आ रहा है. और सोरली स्पेंट करेंगे, देन इट विल बी अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट. सो ट्रेल ऑफ काइंडनेस होगा या स्कार ऑफ डिसकंटेंट होगा? अगर आप अच्छा काम करेंगे तो एक तरह से ट्रेल ऑफ काइंडनेस छोड़ेंगे, यानी कि लोगों को लगेगा कि कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा आदमी है, उसने हमारे आके मदद की और इसे हमारा काम हो गया. सो यू लीव ए ट्रेल ऑफ काइंडनेस, सो पीपल विल रिमेंबर दैट. और यू विल लीव ए स्कार ऑफ डिसकंटेंट, अगर आपने मदद नहीं की, दूसरों को, वो हमारी मदद कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, तो उसे क्या होगा? दूसरों में
गुस्सा आएगा, मायूसी होगी, दे विल बी इट्स द ऑपोजिट ऑफ कंटेंट, यानी कि कंटेंट मतलब कि मैं संतुष्ट हूं, डिसकंटेंट मतलब असंतुष्ट, यानी कि मेरे को उससे खुशी नहीं हुई, मेरे को काफी क्रोध आया, काफी गुस्सा आया. सो दैट इज बिकम्स अ वेस्ट ऑफ अ डे. बाय स्पेंडिंग इट वेल एज यू क्लोज योर आईज इन स्लंबर, यानी कि अब तुम्हारा रात को सोने का समय आ गया है. स्लंबर का मतलब सोना, तो तुम अपनी आंखों को बंद करोगे. डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, अब क्या हो सकता है जब तुम अभी आज का दिन खत्म हो गया, रात को जब आप सोने वाले हो तब आपको क्या लगेगा? इसलिए हमेशा बोलते हैं रात को सोने से पहले यू शुड थैंक गॉड फॉर ऑल दैट यू डिड इन द डे, ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू गॉट, एंड यू शुड थैंक गॉड फॉर द डे. And the next morning, you should get up and say that, okay, these are the 2-3 things that I'm going to do today to help make the world a better place to live in. That's also called manifesting vitamin G, vitamin gratitude. Okay, so the poet wants to know, ki kya isse, jab tum sone wale ho, aapko kya lagta hai ki Bhagwan ye kahega ki tumne aaj kal ek aur din kamaya hai. You have earned one more tomorrow by the work that you do today. आज के काम के बेसिस पर तुमको एक और दिन तुम्हारे खाते में जोड़ा जाता है. You have earned this interest. Bank account में interest मिलता है ना, savings bank account में या fixed deposit में. तो आज की तारीख में जिस तरह का काम तुमने किया उसकी वजह से तुमको एक और दिन कल मिलता है. क्या भगवान तुमसे ये कहेगा या नहीं? तो इसका कहने का मतलब ये है that if they are not sure about how their day was spent, and think about what God would say. Tomorrow is assured by God based on the work that you do today. Aaj ki tarikh mein jis tarah ka kaam, kis tarah ke quality of kaam tumne kiya, uske basis pe hi tumko kal tumhare khate mein jama hoga. Samajh mein aa gaya? Yahan par kaun se poetic devices ka istemal kiya gaya hai? Ek to metaphors hai, trail of kindness, scars of discontent, dono metaphors hai. Because dono hi physical bhi ho sakte hain, metaphorical bhi ho sakte hain. Kindness और स्कार ऑफ डिस्कॉन्टेंट, स्कार इज ऑल्सो यू नो जिस तरह से चोट पड़े, ओ आई हैव बीन यहां पे मेरा कुछ जल गया, इट हैज लेफ्ट अ स्कार, उस तरह से स्कार बोलते हैं. लेकिन यहां पे स्कार ऑफ डिस्कॉन्टेंट की बात हो रही है. सिमिलरली ट्रेल आपको दिखता भी है लेकिन ट्रेल ऑफ काइंडनेस तो नहीं दिखेगा ना, दया का ट्रेल तो कुछ नहीं दिखेगा. सो दैट इज बीइंग यूज्ड इन अ मेटाफोरिकल सेंस. सो ये दोनों मेटाफर्स हैं. ओके, सो इसके अलावा दो और पोएट्री डिवाइस हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू कैन रीड इट इन द नोट्स. इसके बाद साथ आई हैव रिटन अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स इंक्लूडिंग द एप्रिसिएशन वाला, तो वो आप उसमें देख सकते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पोएम आपको समझ में आ गई. ओके, आई हैव ट्राई टू डू जस्टिस टू दिस पोएम ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए. इसके ऊपर जो भी प्रश्न आए उसका आप उत्तर ठीक से दे पाए. एनी डाउट्स प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.